सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीवी जिमी। होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर पे शादी चल रहा है और आज है रिसेप्शन। सो आज मैं वेयर करने वाली हूँ अपना वेडिंग लहंगा, जो कि मैं ये सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अपना मेकअप कर लिया है और इसके साथ मैंने पहले ये ज्वेलरी वेयर किया था। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, काफी ज्यादा ट्रेंडी चल रहा था। सो पहले तो मैंने कियारा अडवाणी का लुक क्रिएट करने के लिए सोचा था, लेकिन ये ज्वेलरी किसी को भी पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ गोल्ड ही वेयर करूँ। सो अब मैंने इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी वेयर कर लिया है। अब मैं अपना हेयर स्टाइल बनवाऊंगी और यहाँ पे मैंने जमजम को रेडी कर दिया है। और आज मेरी मम्मी भी आई हुई है, तो मुझे जमजम को लेके ज्यादा प्रेशर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको देखभाल मेरी मम्मी ही कर रही है और फिलहाल अभी वो खा रही है। और आज के ये आउटफिट में जमजम काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। मैं उसका वीडियो करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, उसको तो मोबाइल दिखना था। खैर, मैं अब अपना हेयर स्टाइल करने के लिए बैठ जाती हूँ। और आज ही मुझे हेयर स्टाइल चूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और हम लोग काफी ज्यादा लेट भी थे और बाकी सारे लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे वहां पे। और फिर जैसे तैसे करके अपना हेयर स्टाइल मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और मैं उसको बता भी नहीं सक रही थी कि मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है। और फिर मुझे ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि अगर मैं ये हेयर स्टाइल को चेंज करने बोलती तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और फिर हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे और भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। और सबसे एंड में मैं अपना लहंगा वेयर करती हूँ, क्योंकि लहंगा काफ़ी ज़्यादा हेवी था और मुझे इसको लेके कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं इसको वेयर करके निकल जाती हूँ। और रिसेप्शन बिल्कुल पास में ही हो रहा था, लेकिन मेरा लहंगा इतना हेवी था कि मैं नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं और बाकी सारे लोग कुछ जमजम का ही वेट कर रहे थे। स्पेशली जो मेरे हस्बैंड की फूफी है, उनकी ही फैमिली काफ़ी ज़्यादा जमजम को प्यार करती है, तो वो लोग काफ़ी देर तक वेट ही कर रहे थे जमजम का। और फिर मैं जमजम को उन लोगों के पास ही रख देती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सारे लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए। और फिर मैं सारे डेकोरेशन देखती हूँ और फिर मेरी ननद आती है मुझे लेकर जाने के लिए, जहाँ मैं ब्राइड बैठी हुई है, उनसे मुलाकात करने के लिए। और ये रहे हमारे न्यूली मैरिड ब्यूटीफुल कपल और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स यहीं पे ही मौजूद थे। और फिर हम लोग सब लोगों के साथ सेल्फी क्लिक करने आ जाते हैं। और पहले तो मैं सबके साथ वीडियोस ही बनाती हूँ, फिर मैं सब लोगों के साथ काफ़ी सारा फोटोज क्लिक करती हूँ। और फिर यहाँ पे सारे फैमिली फोटोशूट स्टार्ट होता है। और फिर मैं वहाँ पे काफी देर तक सब लोगों के साथ फोटोज क्लिक करती हूँ और फिर यहाँ पे जमजम भी वापस आ चुकी है घूर के। फिर मैं उसको लेकर बाहर जाती हूँ और हम लोग सब मिलकर बाहर में बैठते हैं, क्योंकि हम लोग सबको स्टार्टर्स खाना था और यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्टॉल था, लेकिन मैं जाकर खा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा लहंगा काफ़ी ज़्यादा हेवी था, तो मुझे चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। सो मैं बैठ के ऑर्डर देके ही खा रही थी। और फिर यहाँ पे आते हैं मेरे कुछ क्यूट क्यूट से फ़ैन। ज़्यादातर बच्चे ही मेरे बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, बड़े का तो पता नहीं कौन मुझे फॉलो करता है और करता नहीं है, लेकिन बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो
ये लगी छे। और यहाँ पे देखें, जमजम को कोल्ड ड्रिंक्स पीना इतना पसंद है कि क्या बताऊँ, मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं देती, लेकिन वो देखने से उसको मतलब खाना ही है। और ये थोड़ा परेशान भी मुझे कर रही थी, लेकिन मैं तो उसको लेके इधर उधर ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अपने ड्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। और फिर हम लोग रूम में आते हैं। यहाँ पे एक रूम भी बुकिंग करके रखा था मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उसको मालूम है कि जमजम को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी पसंद है और उसको अकेले रहना और अकेले रेस्ट करना भी काफ़ी पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, साथ में ननंद भी थी, तो उसके बेबी के साथ भी जमजम काफ़ी खेल रही थी। और यहाँ पे मैं ही ज़्यादा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मैं अपना लहंगा लेके मैं चल ही नहीं पा रही थी और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। सो मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे घर जाना चाहिए और मुझे अपना ड्रेस चेंज करने चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रोग्राम इंजॉय नहीं कर पा रही थी और सिर्फ एक जगह सिर्फ बैठे ही रह रही थी। तो मैं अब घर के लिए जा रही थी अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। और फिर मैं घर जाती हूँ और अपना ड्रेस चेंज करके आ जाती हूँ, और मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोगों को रिलैक्स फील हो रहा था कि हाँ अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। और अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा फ्री फील कर रही थी, क्योंकि मैं जमजम को बार बार गोद में लेती हूँ, फिर नमाती हूँ, फिर उसके पीछे जाती हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है सूट में ये सब करना। और यहाँ पे जमजम के देखिए ये खेल में इतना मसरूफ़ है कि इसको मैं खिलाने का कोशिश कर रही हूँ तो ये खा भी नहीं रही है और ये अपने खेल में ही लगी हुई है। इसको ना सिर्फ घर में शांत से टीवी देख के खाना पसंद है, बाकी जगह कोई जगह पे नहीं खाती ये। देख उंगली दुकान में तो बोली सर और यहाँ पे हम सारे लोगों के साथ बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं और फिर हम लोग फाइनली जाते हैं डिनर करने के लिए। और फिर हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं अगेन अपनी जगह पे जाके बैठने के लिए। मेरी सासू अम्मा, मेरी मम्मी और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे जमजम आइसक्रीम खा रही थी और साथ सबको आइसक्रीम खिला भी रही थी। আদর করতে হবে না, ভুক আদর করো। বাড়ি থেকে যে ওটস নিয়ে এসেছি কিনা ওইটা কি আছে কিছু খেলো। और फिर यहाँ पे जमजम सबको आइसक्रीम खिलाने लग जाती है और इसको अपने खाने से ज़्यादा दूसरे को खिलाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसका एक खेल बन चुका था कि सबको आइसक्रीम खिलाना है। और फिर मैं यहाँ पे जमजम का ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि उसने अपना ड्रेस पूरा गीला कर दिया था। और फिर हम लोग अब घर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था। वैसे तो जमजम काफ़ी लेट तक सोती है, इसीलिए वो इतने देर तक खेलती ही रही, क्योंकि उसका सोने का टाइम अब हो रहा है। और यहाँ पे जमजम ऑटो में उठ के इतना ज़्यादा खुश होती है कि क्या ही बताऊँ। तो अब हम लोग घर की तरफ रवाना देते हैं। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो मेरे साथ बने रहें। सो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर सेल्फ एंड बाय बाय।